हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के चार धाम, जिसमें यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम आते हैं। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री के आज हम आपको इस लॉकडाउन के बीच कैसे कपाट खुले वह दिखाने जा रहे हैं, इसलिए आज अंत तक हमारी वीडियो को आप देखते रहिए। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं गंगोत्री धाम के कपाट खुलते हुए, जिसकी डोली मुखवा यानी मुखी मठ से चली, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण और लॉकडाउन के कारण मात्र दो चार लोग ही माँ गंगोत्री माँ की डोली को मुखवा से लेकर आए गंगोत्री धाम, और फिर वहाँ पर कैसे कपाट खुले आप देख सकते हैं। इस तरह से गंगोत्री धाम के कपाट लॉकडाउन में खुले जा रही है, और साक्षात आप यमुनोत्री माँ के दर्शन कर सकते हैं। अभी कपाट खुले हैं, पुजारियों द्वारा अभिषेक किया जा रहा है। उसके बाद भगवान केदारनाथ धाम के कपाट लॉकडाउन के चलते इस बार डोली ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ से वाहन द्वारा रवाना की गई, जो कि हर साल पद यात्रा के साथ की जाती थी। और गौरीकुंड से बाद में बर्फ की चट्टानों के बीच पंडितों द्वारा नंगे पांव डोली को भगवान केदारनाथ के मंदिर पहुंचाया गया। और उसके बाद 29 अप्रैल को प्रातः भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। श्रद्धालु केदारनाथ के धाम के दर्शन घर बैठे इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। मंदिर के अंदर का आप स्पष्ट देख सकते हैं। जय बाबा केदार। और उधर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने के लिए भी जोशी मठ से पद यात्रा डोली की शुरू कर दी गई। चौदह मई को डोली पांडुकेश्वर में पहुंची। एक दिन पांडुकेश्वर में विश्राम करने के बाद 15 मई को डोली बद्रीनाथ धाम पहुंची। बद्रीनाथ धाम की डोली भी इस बार वाहन द्वारा ही रवाना की गई। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने से पहले मंदिर को चारों ओर से सैनिटाइज किया गया, उसके बाद ही कपाट खोलने की पूजा का कार्यक्रम शुरू हुआ। और 15 मई को प्रातः 4:25 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट
वर्ष 2020 के अंदर खोल दिए गए, जो कि लॉकडाउन के बीच खुले हैं। किसी तरह का कोई बड़ा समारोह नहीं हुआ, ना ही किसी प्रकार के श्रद्धालु और यात्रीगण वहां पर पहुंच पाए। लोकल आदमी और प्रशासनिक आदमियों के बीच लगभग 20 से 25 आदमियों के बीच ही बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। और अभी ऑनलाइन दर्शन कराने की सुविधा जल्दी ही चलने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं ऑनलाइन दर्शन कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन पूजा कैसे कराते हैं, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसकी जानकारी पूरी आपको देंगे। अगर यही सभी वीडियो आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल ट्रिप इंडिया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर विस्तार से वीडियो पहले ही आ जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बद्रीनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।